अस्सलामुअलैकुम। यहाँ जो है आज पार्टी मेकअप करेंगे डार्क आईज विद लाइट लिपस्टिक। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको कैमोफ्लाज कर लेना है। ऑरेंज प्रो कंसीलर से मैंने कैमोफ्लाज किया है। मेरे चैनल पे कैमोफ्लाज की भी जो है वो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए मौजूद है। तो जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लें। यहाँ मैंने कस्टमाइज बेस बनाना जो आपको सिखाया है ये वही बेस मैंने मॉडल पे अप्लाई किया है। यहाँ अच्छे से मैंने फेस पे जो है टैप करके इस बेस को अप्लाई कर लिया है। इसकी आपकी क्वांटिटी के ऊपर है, अगर आप ब्राइडल बेस बना रही हैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगा लें थोड़ी सी, अगर पार्टी बेस बना रही हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखें ताकि बहुत लाइट बेस बने। इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है। कंसीलर मैंने फ्रंट फेस पे ही यूज़ किया है, टैप करके ही यूज़ करना है आपने। यहाँ पे जो है मैंने चेरीज का जो है आइवरी बेस यूज़ किया है कंसीलर के तौर पर। आप यहाँ पे कोई भी कंसीलर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस सेटिंग करूँगी। आपको पता है जब तक हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर नहीं लगता तो हमारा मेकअप जो है वो अधूरा लगता है, हमारा बेस अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मेकअप को सेट करता है, बेस को सेट करता है। सो यहाँ पे जो है आज मैं जिस टेक्निक से मेकअप कर रही हूँ इसे आप देखें और नोट करें कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। तो यहाँ ये अलग हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो है मैं ब्लश लगाऊंगी उसके बाद कॉन्टोर करूंगी। अमूमन हम पहले कॉन्टोर करते हैं फिर ब्लश करते हैं। यहाँ मैं पहले कॉन्टोर करूंगी और पहले ब्लश करूंगी फिर कॉन्टोर करूंगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या डिफरेंस है इस मेकअप में, डिफरेंट है ये है कि वो मैं आई मेकअप करूंगी पहले, आई मेकअप के बाद मैं आईब्रोज़ और कंसीलर करूंगी। वैसे तो आई बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, इसी तरह मेकअप करते होंगे, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस ली हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस तरह मेकअप नहीं करती। मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज़ और कंसीलर करती हूँ, उसके बाद बेस बनाती हूँ, फिर आई मेकअप बनाती हूँ। तो इसी तरह आज जो है मैंने थोड़ा सा अपना जो मेथड है वो चेंज कर दिया। तो यहाँ जो है आई मेकअप स्टार्ट हो गया है। चॉकलेटी ब्राउन और ऑरेंज के साथ हमें क्रीज लाइन बना लेनी है। क्रीज लाइन की जो ब्लेंडिंग थी वो चॉकलेटी से थी, आई बॉल की जो ब्लेंडिंग है वो ऑरेंज है और दोनों को हमें अच्छे से मर्ज कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक कलर लेना है और आउटर कॉर्नर पे जो है हमें ब्लैक कॉर्नर्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, नॉर्मल कॉर्नर्स बनाने हैं हमें। इसके बाद हमें अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है और ब्लेंडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, आई बॉल पे पिंक कलर का, मेरे पास शॉकिंग पिंक कलर का ग्लिटर था, मैं ये लगा रही हूँ। आज मैंने शॉकिंग पिंक सेलेक्ट किया कि आज मैं इसके साथ मेकअप करती हूँ। तो यहाँ मैंने ये भी आई बॉल पे प्रेस कर लिया है अच्छे से। इसके बाद जो है मैं लाइनर लगाऊँगी। लाइनर के बाद पहले आप यहाँ पे, हाँ ये भी बता दूँ आपको कि कोई भी ग्लिटर गिरा हो तो आप उसे किसी भी फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको जो है रिमूव कर ले। उसके बाद मैंने लाइनर लगाया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा भी बताऊँगी। हर उसमें जब भी ये लाइनर यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये लाइनर किसी क्लाइंट पे यूज़ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये लाइनर जो है आप हमेशा मैं मॉडल पे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लगाने पे इजी होता है इसलिए, लेकिन आप क्लाइंट्स पे ये लाइनर बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसकी लास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है मैं नीचे भी जो है ऑरेंज मेकअप जो है मैंने ऑरेंज शेड लिया है, ऑरेंज शेड मैंने आई के नीचे लगाया है। यहाँ देखिए अब मैं आईब्रोज़ बना रही हूँ, आई मेकअप मेरा डन हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जो है आईब्रोज़ बनाया है। आईब्रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी कंसीलर आईब्रो को, ठीक है। आईब्रो को कंसीलर करूँगी मैं और हाईलाइट एरिया तक करूँगी, ब्रो जोन जिसे कहते हैं ना हम, उस एरिया तक मैं जो है कंसीलर करूँगी इससे। यहाँ आपको बहुत छोटा फ्लैट ब्रश लेना है, आपको बड़ा नहीं लेना। अगर आप बड़ा लेंगे तो आपका आई मेकअप ख़राब हो सकता है, इसलिए छोटा सा फ्लैट ब्रश लीजिएगा। यहाँ जो है आई के अंदर कंसीलर कर लिया है मैंने। आपके पास अगर वाइट लाइनर है आप वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास भी है बट मैं कंसीलर ही लगा लेती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा स्टे करता है आईज़ पे, ठीक है। अब मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये हमारे कॉन्टोर को बैक करता है और ये बहुत ज़बरदस्त लुक देता है, कंसीलर का काम भी करता है
और हमारे फेस को बहुत ज़्यादा इनहेंस भी करता है, फेस को नहीं हमारे फ्रंट एरियाज़ को ये इनहेंस करता है। तो यहाँ जो है आपको इसको टैप करके ब्लेंड कर लेना है, या फिर आप ब्रश से भी कर सकते हैं, किसी भी बड़े से फ्लफ़ी ब्रश से आप इसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। और मैं आपको बताते चलूँ, जिन्होंने अभी मेकअप स्टार्ट लिया है, जो बिगनर्स हैं हमारे जो सीख रहे हैं, वो जो है मेरे चैनल पे जाएं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोस है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से आपको सिखाया है, तो बेसिक वीडियोस वहाँ पे मौजूद है। चैनल पे जाएं और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का मेकअप यहीं कंप्लीट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।